बॉडी है मास कितना 4m का, विथ ए स्पीड यू कोलाइड्स विद अनदर बॉडी ऑफ मास 2m रेस्ट पे. अरे ये नहीं हुआ, तो हो जाना चाहिए, तो ऐसा लग रहा है ज़्यादा डिफिकल्ट. आफ्टर द कोलाइजन द फ्रैक्शन व्हेन यू लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी, ये रेस्ट पे है, यस और नो? हेड ऑन है और इलास्टिक है. ये मानिए जाने लगा इधर V1 से, ये भैया जी जाने लगे V2 से. कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4m into u is equal to minus 4m V1 plus 2m V2. ठीक है, ये हो गया 2, ये हो गया 2, m m m चला गया. V2 minus 2V1 is equal to 2U. ये हो गया पहला equation. You don't know. E हो गया 1, which is equal to velocity of separation, which is V2 plus V1 divided by U. Yes or no? तो V2 plus V1 भी हो गया U के बराबर. कोई दिक्कत? अब निकालिए. V2 minus 2V1 minus V2 minus V1 is equal to 2U minus U. ये रह गया, कट गया कट गया. Minus 3V1 is equal to U. V1 हो गया minus U by 3. जैसा ना, V2 हो गया U minus V1 which is equal to U plus U by 3 which is equal to 4U by. क्लियर है क्या? बेसिकली ये भैया जी जाने लगे इस डायरेक्शन में 4u by 3 से, और ये भैया जी इसी डायरेक्शन में जाने लगे u by 3 से. कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं? अब जो है फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट. ठीक है, तो पहले था कितना एनर्जी, हाफ इंटू 4m u स्क्वायर, यही था एनर्जी पहले. बाद में कितना हो गया, हाफ इंटू 4m इंटू यू स्क्वायर बाय 9. क्लियर है? हाफ इंटू 2m इंटू 16 यू स्क्वायर बाय 9. क्लियर है क्या? यस और नो? तो एनर्जी कितना लॉस्ट हुआ, हाफ इंटू 4m यू स्क्वायर माइनस half into 4m u square by 9 plus half into 2m into 16 u square by 9. Yes or no? Half m u square 4m minus four by 9 minus 32 by 9. क्लियर है क्या? तो जीरो हो गया. हाँ, एनर्जी टोटल लॉस तो जीरो ही होगा, इलास्टिक है. बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए, तो कोलाइडिंग बॉडी ए का कितना था, यू था, और अब हो गया यू बाय 3, है कि नहीं? तो पहले था हाफ मास ऑफ बॉडी ए इंटू यू स्क्वायर, अब हो गया हाफ इंटू मास ऑफ बॉडी ए इंटू यू स्क्वायर बाय 9. यस और नो? तो कितना लॉस हुआ, 8 बाय 9 लॉस हो गया. यस और नो? दिक्कत? थैंक यू वेरी मच.